हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल. वेलकम टू द वेबिनार. आई एम ऑडिबल टू ऑल? हेलो. कृष्णा, कृष्णा द हेलो, होस्ट, सो प्लीज मेक यस, यू कोको. आर ऑडिबल सर. या यू आर होस्ट, सो प्लीज मेक राकेश जी को होस्ट एज वेल एज अदर स्पीकर्स. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट सर. ओके. तो इन द मीन टाइम वी आर स्टार्टिंग दिस मोस्ट अवेटेड वेबिनार. सो टुडे वी आर गैदर्ड हेयर टू लर्न एंड द सेलिब्रेट हेलो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 126th एनिवर्सरी एंड डिस्कसिंग हिज आइडियाज एंड विजन फॉर इंडिया. सो गेस्ट स्पीकर्स हु आर स्पेशलाइज्ड विद लर्निंग्स ऑफ नेताजी, प्रोफेसर विग्नेश त्यागी सर, डॉक्टर राकेश राणा जी, एंड वी हैव अनदर गेस्ट स्पीकर डॉक्टर देशराज सिंह जी. सो प्रोफेसर विग्नेश कुमार त्यागी जी इज हिस्टोरियन एंड एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, चौधरी चंद यूनिवर्सिटी मेरठ. ही इज ए बीएससी एमए हिस्ट्री, एमफिल गोल्ड मेडलिस्ट एंड पीएचडी फ्रॉम मेरठ यूनिवर्सिटी. डॉक्टर राकेश कुमार राणा जी इज एसोसिएट प्रोफेसर एट डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद, यूपी. एंड डॉक्टर देशा सिंह जी इज सोशल एक्टिविस्ट, चेयरमैन सुभाष चंद्र बोस रिसर्च चेयर एस्टैब्लिश्ड इन सुभारती फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन. सो दिस आर द glimpse of our speakers, and because this program is jointly organized by Khushigram, together we dream and lead. From Khushigram we have Ajit Kumar ji, the founder of Khushigram, and from Together We Dreams we have Krishna Trivedi, who is the founder of Together We Dream, and myself, Dr. Upadesh Sharma. I am a coordinator of NEEP. So just briefly, before starting the program, I want to make you know that what NEEP is doing. So NEEP just started its working since 2018 in slum as well as rural villages areas, where we find that many of the kids do not go to school because of some reasons. Maybe some there are some reasons like they don't have money, or there are some lack of motivation in the family. So we went to the villages as well as slum areas to motivate them. Like this education is the only way by which you can change the life of any person. So please provide give this education to your child, and if you are not able to send your kids to the schools, so send. We generally have some classes at the evening at that village, and that was our that will be our NEEP classes. So we put all the kids together at that center point, and we enlist them with the quality education at that center. So we have before Corona we have 8 centers at Meerut. One is Ghaziabad, one is Shamli, other one is in we have also chapters like Mumbai chapters, MP chapter, Hindu College chapter, Gurgaon chapter. So we have a lot of Uttarakhand chapters. We have a lot of chapters of NEEP where these motivational things are going on. So without any much delay,
आई वुड लाइक टू हैंड ओवर दिस डायस टू कृष्णा त्रिवेदी फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स. कृष्णा, माइक इज योर्स. कृष्णा त्रिवेदी. कृष्णा, आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस सर एम आई ऑडिबल सर या सो या यू आर ऑडिबल, प्लीज गो अहेड. वेरी वॉर्म गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर एंड टुडे ऑन द 126th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर वी आर होस्टिंग अ वेबिनार टू टॉक अबाउट हिज व्यूज टू रिमेंबर द स्पिरिट ऑफ नेताजी हाउ हिज एंडेवर्स कॉन्स्टिट्यूटेड इंडिया इंटू आर्मी एंड हाउ ही इज डेडिकेटेड एंड डिटरमाइंड एफर्ट्स रिजल्टेड इंटू अ ग्रेट रेवोल्यूशन थ्रू आउट द कंट्री विद प्रोफेसर विग्नेश विद प्रोफेसर विग्नेश कुमार त्यागी एंड डॉक्टर राकेश कुमार राणा एंड डॉक्टर देशराज सिंह हु आर अवर एस्टीम गेस्ट ऑफ हु आर अवर एस्टीम स्पीकर वी वुड टुडे डिस्कवर अबाउट वेरियस एंड एंडेवर्स ऑफ मिस्टर सुभाष चंद्र बोस हिज नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिज विजन बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट फाउंडर ऑफ खुशीग्राम टू गिव अवर अ ब्रीफ अबाउट द लाइफ ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड ऑल्सो स्टार्ट द होस्ट द ही विल टुडे होस्ट द मीटिंग सो बिफोर दिस आई जस्ट विश लाइक टू आस्क मिस्टर उपदेश सर इज प्रोफेसर विग्नेश सर इज विद अस और नॉट Presently he is not there. Maybe I am contacted with him. In the ओके meantime, we can start. विद राकेश सर Yes. डॉक्टर राकेश ओके सो मिस्टर अजीत कुमार द फाउंडर ऑफ खुशीग्राम विल बेसिकली ब्रीफ अस अबाउट टुडेज वेबिनार एंड ही विल बेसिकली होस्ट द मीटिंग सो आई वुड लाइक टू पास ऑन द माइक टू मिस्टर अजीत कुमार फाउंडर ऑफ खुशीग्राम Thanks a lot, Krishna, and thank you, Updeshji. It was a very important occasion that we decided to celebrate together, as Netaji is the foremost freedom fighter India has, and today also and coming generations also will take inspiration from him, and to take the nation to new heights. And he was a great patriot, as all of us know. He was born in 19, everybody must be knowing, 1897. And it is said that he was killed in an air crash in 1945, which is still not proven as such. Another version is that he was killed in Russia. Another version is that he lived in India till late 80s as Gumnami Baba in UP. So that mystery still remains. Lot of research has been done, lot of papers are there, lot of classified papers, and some papers have been declassified also. So this is in brief about his life and his birth and death. But what he did was really great. Like when he was in school only, he had that spirit that we should be, that spirit of, say, he was determined that India should be independent, and the spirit was that he was always against injustice. So when a child was being hit by some British, and there were lot of discrimination with the Indian students, he stood against it, and he was in fact thrown out of presidency also. And later on he went, all of us know, he went on to UK and studied for a brief period, and in that period only he was selected for civil services. He left the civil services because he didn't want to stay there. He wanted to serve the country. And his family was also like that. His father also lived, in fact, discarded his Rai Bahadur ship, and then so this was his background. And when he was a child, he went to serve the people who were suffering from plague.
So that was another thing that is evident in a person like Netaji from childhood only. As we say in Hindi, honar birwan ke khud chikne paat. तो वो दिखता था उनमें, तो ये उनका स्टार्टिंग का था. उसके बाद आजादी की लड़ाई, वो कांग्रेस में रहे, काफी लीडरशिप लिया. ही वाज़ द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस आल्सो. सेकंड टाइम आल्सो ही वन द इलेक्शंस, बट ड्यू टू गांधी जीज स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट ही रिजाइंड, एंड बिकॉज ही रिस्पेक्टेड गांधी जी अ लॉट. एंड देन ही वेंट बैक, ही फॉर्म फॉरवर्ड ब्लॉक, ही फॉर द कंट्री एंड ही टुक आर्म स्ट्रगल. ही वेंट टू जर्मनी, जापान, एंड द कंडीशंस ही वेंट टू वाज रियली वेरी motivating as well as very tough also. He had to bend in the small kind of ships or submarines that he had on the way, jisme ki aap khade bhi nahi ho sakte hain, aur kafi der tak ghanton ki journey unhone tedhe hoke bitaya. To uske baad when he came to Japan, and then there was a fight, all of us know. He also Indian flag was also flown at Andaman, we know that also. And today is a very good day that we are naming, India is naming all the islands in Andaman Nicobar in the name of the Paramveer Chakra recipients of India, the armed forces leaders who gave their lives. Most of them gave their lives for the country. Some of them, I think two or three, were still alive after the war, though they were fatally injured. So this is a great occasion to celebrate. Let's celebrate him, and then let's take inspiration from him to take the country to new heights as we move. We are in the Amrit Kal, as we say. We are in the 26th year of independence, Indian independence. So without giving much background, I'll just tell a little bit about our organization. Khushigram is basically integration of all organizations and institutions working in sustainable development sector. So trying to see that India achieves sustainable development goals before 2030, as was the target of United Nations in 2015, which India is also a signatory to. So and we work in various ways, various sectors, policy level as well as implementation at ground level with many partners. Some of the partners are with us in this program also, as we know, and as we have already spoken. So I think, Krishna, do we have the speakers here? So basically starting with our webinar, I will request Dr. Rakesh. Rakesh is there, huh? Dr. Rakesh to basically share his views about how Subhash Chandra Bose shaped national freedom struggle, and how his contribution today also enlightened our youth. Krishna, let me reintroduce him, because Upadesh has already introduced all the speakers, but since people who might have joined late, let me Dr. Rakesh ji, are you there? I think there is some technical glitches. Maybe I will call. Hello, Rakesh ji, are you there? आप यहाँ पे हैं? अरे मिस्टर जोधा जी ना आते हैं? एक
Akhilna, maybe in the meantime, you please speak about Together We Dream, and I will contact Rakesh ji or Professor Vignesh Kumar Tyagi ji. Krishna? Yes, sir. Actually, Together We Dream is an initiative which we have started as a thought that we हम लोग को शुरुआत में बचपन में क्या होता है कि हर student सपना देखता है कुछ करने का. वो सोचता है कि मैं एक अमीर आदमी बनूंगा, या फिर मैं बहुत फौजी बनूंगा, या फिर मैं बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा. ठीक है, इस तरीके के कई सपने स्टूडेंट्स हमारे देखते हैं. होता है जैसे जैसे आज हम नेताजी की बात कर रहे हैं, तो नेताजी ने जैसे एक आजाद भारत का सपना देखा था. ठीक है, इसी तरीके से हमारे स्टूडेंट्स सपने देखते हैं. होता क्या है कि जब सपने देखने की बात आती है, तो ये केवल इमेजिनेशन के तौर पर कोई भी कभी भी सपना देख सकता है. ठीक है, लेकिन जब आप सपना पूरा करने की बात करते हैं, तो सपना पूरा करना एक तरीके से पेड़ लगाना, उसको एक तरीके से सींचने जैसा होता है, पेड़ को न्यूट्रिशन देना, उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने जैसा होता है. तो जैसे आप सुभाष चंद्र बोस की आज हम लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने आजाद भारत का सपना देखा. उसको वहां से यहाँ रख देना ना. ठीक है, उन्होंने आजाद भारत का सपना देखा. उन्होंने इस बारे में सोचा कि किस तरीके से देश को एक बेहतर समाज, मतलब इंडिपेंडेंस मिलेगी, स्वराज मिलेगा. उसी तरीके से जैसे हमारे यूथ जब सपना देखते हैं, तो कई बार ये चीज मैं बिल्कुल मानता हूँ कि कभी जो हमारी सोल एफर्ट होते हैं, मतलब हमारे खुद के एफर्ट होते हैं, उससे भी हम बहुत हद तक कामयाब हो सकते हैं. लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इतना डिटर्मिनेशन शायद ना शो कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप ड्रीम देखते हैं तो बहुत सारे फेलियर्स आते हैं. आप कई ऐसी चीजें, आप कई ऐसे काम करने की कोशिश करते हैं, एफर्ट्स जो होते हैं आपके, वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं. तो रेगुलर फेलियर की वजह से कई बार आप क्या करते हैं, अपने सपने को छोड़ देते हैं. तो टुगेदर वी ड्रीम में हम बात करते हैं कि साथ में मिलकर सपने देखना है. हम इस बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा क्लबिंग, लोगों का ग्रुप क्रिएट किया जा सके जो आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करें सपने देखने के लिए, और उनके उनके लिए लगातार एफर्ट देने के लिए. तो जब हम ऐसी सोसाइटी की बात करते हैं, तो ऐसी सोसाइटी में रिसोर्स की भी जरूरत पड़ती है, और इंफॉर्मेशन और नॉलेज की भी जरूरत पड़ती है. तो डिफरेंट वेबिनार्स के थ्रू हम ऐसी नॉलेज और इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारी सोसाइटी के मेंबर्स कैपेबल बने अपने सपने को पूरा करने के लिए. एक मिनट देना. आवाज नहीं आ रही है. हेलो, या सॉरी फॉर इंटरप्शन, देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिचेस देयर. सो नाउ आवर स्पीकर्स आर कनेक्टिंग, सो जस्ट प्लीज वेट मे बी फ्यू सेकंड्स, वी विल बी हियर विद आवर गेस्ट. इन द मीन टाइम मे बी अजीत सर, आई यू कैन share some of your views about Netaji. Sure. I'm contacting that. Yeah. I'll do that. So, in fact, Netaji had so strong views about so much knowledge about international affairs, diplomacy, how the country should move ahead, how discipline should be taken care of, how youth should be trained, and
motivated. That even it is said that it's still not proven, but said that when he was staying here in India as Gumnami Baba, then he used to share a lot of insights, though he didn't meet anyone. He just met two three people, and he used to sit in the room inside so that nobody could see him, because there are a lot of issues. People say that why didn't he come in front of everyone when he was Netaji was there, and he knew that he had such mass following and people liked him a lot. There were multiple reasons, actually. The country was, and what he indicated also often, that the country was already going through a lot of challenges in those days, and a lot of issues were there. Plus, Netaji was the greatest enemy of the Britishers and all the mostly the countries who won the war. So that was another reason that was he didn't want to come out in open. Yeah. That is what people who have been with him said. So, in fact, I'll stop. Sir, Professor Vignesh Tyagi ji is there. Yeah, Professor Vignesh Tyagi ji is with us. So I'll stop there. Yeah. Now I request. So now I request and invite our learned speaker, Professor Vignesh Kumar Tyagi ji. Professor Vignesh Kumar Tyagi ji is a HOD, head of the department history. He is a BSc MA history and gold medalist in MPhil and PhD. So without any delay, because it's already delay, I invite Professor Vignesh Kumar Tyagi ji for his further views on Netaji. Sir, you are welcome here. Thank you. सभी की रात है चाचू क्या चा एक की एक ही क्या महानुभाव आज यू आर वेलकम इसको नेता जयंती मना रहे हैं बहुत कम लोगों को ये जानकारी में होगा कि आजादी के तकरीबन 16-17 साल बाद से एक शहर में बड़े स्केल पर नेताजी की जयंती मनाई जाती रही है और वो निश्चय ही बंगाल का शहर नहीं था ये उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर है मेरठ शहर था जहां उतने भव्य स्तर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्मरण किया जाता था प्रभात फेरी यात्राएं निकाली जाती थी हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं स्कूली बच्चों कॉलेज के लोगों के द्वारा और मैंने 1986 की 23 जनवरी को 1400 से ज्यादा INA के लोगों के साथ कर्नल ढिल्लन को बोलते हुए सुना है और उन्होंने अपने संबोधन में भी यही कहा था जो यहाँ शर्मा स्मारक मैदान बच्चा पार्क मेरठ पर है कि आजाद हिंद फौज के मेरे बूढ़े शेरों आजाद हिंद फौज नेताजी ये एक बहुत हेलो हेलो कोई क्या ये नहीं चाहिए पेंसिल ना मैं जारी रखता तुम लोग फिर जी कहीं से आवाज आ रही है जरा देख लें उसको तो आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये भारत की आजादी के ऐसे इतिहास के पृष्ठों में है कि जिसको अनायास उपेक्षित रखा गया या शायद सहप्रयास रखा गया दोनों मत हैं और विद्वान दोनों मतों पर अपने काफी बड़े आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं अभी मेरे पूर्व वक्ता गुमनामी बाबा के बारे भी बात कर रहे थे स्वर्गीय वचनेश त्रिपाठी जी ने राष्ट्रधर्म में काफी बड़ा आर्टिकल उन पर निकाला था उनकी मृत्यु जब हो गई थी 23 जनवरी को वो जन्मदिवस मनाते थे किसका मनाते थे हमें नहीं मालूम फैजाबाद में लोग आते थे बंगाल से कौन कौन आते थे बहुत ज्यादा मालूम नहीं लेकिन सुभाष चंद्र बोस के जो पर्सनल फिजिशियन थे जो निजी चिकित्सक थे वो हमेशा जरूर आते थे जब तक वो जीवित रहे इसके रिकॉर्ड पूरे पूरे हैं कुछ लोग ये भी कहते हैं उस वक्त कहा करते थे 70s 80s और 90s में कि सुभाष चंद्र बोस उस विमान दुर्घटना में जो ताई होकू में हुआ उसमें वो दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुए उसके लिए ये प्ली दी जाती है कि जब उनका कर्नल आबिद हसन भी आना चाहते थे और उन्होंने कह दिया कि नहीं अभी आप यहीं रहें मैं लास्ट टाइम में कुछ बदल हुई थी
तो जो वो फोटो में हाथ हिला रहे हैं लास्ट का, और प्लेन उड़ने को है, तो उन हाथ में जो घड़ी है उसका या तो गोल है, और जो दुर्घटना के बाद वहाँ जमा की गई कि भाई ये उनका आधा शरीर जल गया था और ये घड़ी उसमें से फिर हटाई गई, तो वो अगर ये गोल है तो वो चौकोर है, और अगर आखिरी वाले फोटो में चौकोर है तो वो जो रिकवर है वहाँ जो दिखाई गई है वो गोल है, यानी वो भी डाउटफुल हो जाता है। एक ये भी साक्ष्य महत्ता रखता है कि रशिया में जब राजदूत हो गए विजय लक्ष्मी पंडित गई और जब वहां से आई हैं तो एयरपोर्ट पर उन्होंने एक ऐसी बात कही थी कि मैं भारतवासियों को इतनी महत्ता की सूचना देने वाली हूं कि जो स्वतंत्रता जैसी से बढ़कर है, तो उसको भी ऐसा लिया जाता है कि कुछ मामला, यानी उन्हें वो सुभाष चंद्र बोस के संबंध में था। मैं व्यक्तिगत रूप से बड़ा मोटिवेटेड रहा जब पढ़ता था, किशोर अवस्था थी, तो कर्नल ढिल्लन साहब से मेरा बहुत अच्छा संबंध रहा, महीनों तक वो साथ रहते थे, मैं महीनों तक हॉस्टल से उनके पास जाता था जब वो मेरठ में आते थे, और मनपसंद बीड़ी वाले श्रीमान जे के अग्रवाल जो बूढ़े हो गए, तो वो जवान थे और मेरे अच्छे मित्र थे, और वो उनके मानस पुत्र थे, वो उन्हें दद्दू बोलते थे। कर्नल जब भाई ढिल्लन से भी मैंने ये पूछा तो उन्होंने भी ये बात कही कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित होते तो पार्टीशन हो जाए, ये संभव नहीं है कि वो चुप रह जाते। इस तरह की बात ये 88, 89, 87 इन सालों की है। जब हम ये देखते हैं कि आज़ादी जो मिली है ब्रिटिशर्स ने बहुत थोड़े हिंदुस्तानियों के बल पर ही हमें गुलाम बनाए रखा, उपनिवेश था और हमारे ही लोग उनके समर्थक थे, तो उन्होंने जब ये देखा बाद में कि साहब वो इंडियन रॉयल नेवी ने विद्रोह कर दिया और बम्बई में, तो फिर उन्हें ये लगा, ऐसे प्रमाण हैं, ऐसे साक्ष्य हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि उसके कारण से उन्हें लगा कि अभी अब हम राज्य नहीं कर सकते भारत पे। तो सुभाष चंद्र बोस की ये तो बातें ऐसी हैं कि भाई वो जीवित रहे, दुर्घटनाग्रस्त हुए, क्या हुआ, लेकिन एक बात ये कौन थी कि भारत का विभाजन हो जाए और सुभाष बोस हों जीवित, तो ये नहीं सह सकते थे। ये भी एक अपने में शक्ति रखता है, ये भी एक तथ्य है। खैर, क्या परिस्थिति थी, गुमनामी बाबा और भी कई पहले आ चुके हैं कि भाई नेताजी आएंगे, हम जानते हैं कि हम लोकगीत इकट्ठा करते हैं तो लोकगीत है बंगाली बाबू आ जा, तो सन 48, 49, 50 खूब गया, 60, 62, 64 तक खूब गया गया, लोगों ने गली गलियों में हिंदी बेल्ट में, क्योंकि INA में तो पूरे देश के ही लोग थे, तो उन्होंने हिंदुस्तानी शब्द भी ये चलाया, जो भाषा चलाई रोमन स्क्रिप्ट रहेगी, इस तरह की चीज थी। उनका शुभ सुख चैन की बरखा बरसे भारत भाग है जागा, वो उनका जो राष्ट्रगान है आरजी हुकूमत आजाद हिंद का, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद, तो वो भी तराने हैं बहुत सारे, हम ये सब देख लेख भागीदारी वाले व्यक्ति को स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में उनके सोल्जर्स का नामोल्लेख नहीं किया जाना, अथवा ये करना कि इंडिया गेट पर जब एक मेमोरियल बनाया जाना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, ऐसा प्रस्ताव हो चुका था एक मिनिस्ट्री का, तो उस मिनिस्ट्री के भी बोस के द्वारा नोटिंग लिख करके ये भिजवाया जाना कि चूंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो है, नेताजी शब्द तो मैं कह रहा हूँ उसमें सुभाष बोस है, SC बोस है उनका जहां तक मेरा ध्यान आ रहा है, वो कलकत्ता में ऑलरेडी बन रहा है इसलिए आवश्यकता नहीं है, तो उसको रुकवाना, जबकि कलकत्ता में नहीं बन रहा था ये भी, तो ये कुछ चीज, या ऐसा कोई ऑर्डर जिसमें यह है कि साहब वो सार्वजनिक स्थान पर और सरकारी नेतृत्व न कहीं अरे चाहिए, ये है इन बातों में। तो तुम कहाँ से तुम प्रयास क्या कर उसको दबा दबा ये बिचेला क्या हुआ तुमको यार तुम कि मालक मालक आजादी के संग्राम के लिए 26 मई का जीत जाना, हरिपुरा कांग्रेस, उसके बाद गांधी का आना के व्यक्तिगत हार है ये पट्टा भी सीतारामैया की हार, मेरी व्यक्तिगत हार है वो, थोड़ा अरे
पैसा ले पैसा ले पैसा ले पैसा 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 शासकीय सेना और वो उन्होंने जो है सैल्यूट किया बहादुर शाह की समाधि पर 46 वो क्या सेना की जो उन के आत्मसमर्पण कर दिया तो INA के पास अपनी एयरफोर्स नहीं थी, जापान की एयरफोर्स हमारा इनको कवर करती थी, अब वो कवर खत्म हो गया था। ऐसी स्थिति में जो हम देखते रहे हैं तो ये आता है कि नेताजी ने जब वो उड़ान भरेंगे जाएंगे आखिरी बार तो ये कहा कि भाई सबको बुलाया और ये कहा कि अब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया है और अब हम लोगों को भी, मतलब आपके लिए उन्होंने कहा सबके लिए कि आप भी इसको देखें। तो किसी ने ये कहा उन्हीं में से, नाम भी है उसका, नाम आता है, मैंने बाकायदा पढ़ा, भले ही अभी हान नहीं आ रहा है, कि साहब आप तो ये कहते थे नेताजी के सारी गोली दुश्मन के लिए और एक गोली अपने लिए, तो आज आप ये कैसे करें। तो उन्होंने ये कहा था, ये ऑथेंटिक है बात, कि भाई अगर आप लोग नहीं रहोगे तो फिर कल जरूरत पड़ेगी तो मैं आऊँगा तो कैसे, आप कहाँ से मैं लोगों को इकट्ठा करूँगा, और आप अगर जीवित बचोगे तो जब फिर हम जरूरत पड़ेगी हम इकट्ठा होंगे तो हम युद्ध चालू करेंगे। ये उनके लास्ट शब्दों में से अंश हैं जो उन बातों के हैं उस वक्त के हैं जब वो विदाई ले रहे हैं। राम INA से पहले वाला हिस्सा उनका, INA के साथ और बाद के जाने तक का हिस्सा, दोनों ऐसा दिखता है कि प्रखरता बहुत तेज है, बहुत ही मिशनरी डेडिकेशन उसका अनपैरेलल दिखाई पड़ता है, उग्र राष्ट्रवाद है, और युद्ध के समय भी काली की उपासना में रथ हो जाना, 6-6, 7-7 दिन बूट नहीं उतरते थे उनके, ऐसा वो सब देखा हुआ है। सरदारे जंग प्रीतम सिंह, कर्नल प्रीतम सिंह और उनके साथ एक आए थे जो पर्सनल बॉडीगार्ड थे, मेरे ख्याल से नेगी साहब थे, 2003 में यहाँ आए थे मेरठ, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह किया गया था चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह का नाम, तो बहुत सारे उन्होंने भी और बाकी लोगों ने भी बहुत सारे अनुभव उनके हैं। उन सब में से जो संस्मरण हैं और जो तथ्य लिखित वाले हैं या जो वॉर के हिसाब से देखते हैं उसकी कहीं डॉक्यूमेंट्रीज हैं या कहीं डॉक्यूमेंटेशंस अलग हुआ है तो उसमें जो चित्र उभरता है, तो एक ये भी बात है कि इंग्लैंड ने इसलिए भारत को स्वतंत्र किया क्योंकि अब वो सेना पर भरोसा नहीं कर सकते थे द्वितीय विश्व युद्ध से जन्य परिस्थितियों में, जब इंग्लैंड की आर्थिक कमर टूट चुकी थी, अमेरिका का काफी कर्जा इन पर था और दबाव था, और अमेरिकी राष्ट्रपति भी कह रहे थे कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो सब तमाम भारत के संदर्भ में भी, तो ये सब ऐसे कारक थे जिनमें सुभाष चंद्र बोस बड़ा प्रमुखतम कारण है INA का और नेवी का विद्रोह लास्ट जिसे कह आजाद हुई। विभाजन दुखद था, शायद कभी वो टूटे, जैसा श्री अरविंद कहते हैं कि फिर से अखंड होगी भारत माता, ऐसा हम लोग कल्पना करते हैं, ऐसा विचार रखते हैं। आज इस अवसर पर ये कुछ स्फुट विचार मैंने रखे आप सबके समक्ष और इसका मौका दिया गया तो मैं आपकी पूरी संस्था और डॉक्टर उपदेश वर्मा और सब लोगों का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने बड़े सरल शब्दों में और बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं कि जो इतिहास में भी यदाकदा ही मिलती है, कि बहुत सारे संशय हैं अभी भी कि वो लास्ट में 1945 में
उनकी डेथ हो गई थी या नहीं हुई थी जो प्लेन क्रैश में, और उसके बाद भी यदाकदा जैसे हमारे अजीत सर ने भी बताया कि मौनी बाबा के रूप में वो देखे गए थे, तो बहुत सारे प्रश्न आज भी हैं और वो इसलिए भी उठते हैं क्योंकि देश और जितने भी यूथ हैं वो जानते हैं कि उनकी जो उन्होंने डेडिकेशन थी, जो उन्होंने समर्पण था, जो उन्होंने देश के लिए किया, वो और कोई नहीं कर सकता था। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं इनवाइट करता हूं डॉक्टर देशराज जी का कि वो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, और उनके बारे में मैंने पहले भी बताया था, दोबारा भी बता देता हूँ कि डॉक्टर देशराज जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, चेयरमैन हैं सुभाष चंद्र बोस रिसर्च चेयर जो कि इस्टेब्लिश्ड है सुभारती यूनिवर्सिटी में, फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। सो अब मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर देशराज जी को कि वो आए और नेताजी के विजन के बारे में, जो इंडिया के विजन था, यूथ के लिए विजन था, देश समाज के लिए विजन था, उसके बारे में हमें प्रकाश डालें। सर यू आर मोस्ट वेलकम। जय हिंद। मैं डॉक्टर देशराज सिंह जी का परिचय अभी आपको दे दिया है हमारे एंकर साहब ने। मैं आज सुबह से ही अपनी यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ, इसमें बजाय पराक्रम दिवस के यूनिवर्सिटी की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस पराक्रम सप्ताह मनाया गया है। 17 से हमने इसको प्रारंभ किया, 17 जनवरी से, और आज 23 जनवरी जो उनका जन्म दिवस है इसको हमने पूर्णता दी। और पूर्णता पर एक ऐसे विद्वान यहाँ इस विश्वविद्यालय में पधारे, नाम था उनका सुभाष चंद्र सिंह। वो इस वक्त कमिश्नर हैं सूचना विभाग में, लखनऊ सूचना विभाग के कमिश्नर आयुक्त हैं वो। उनको मुख्य अतिथि बनाया गया था, जो संस्था के हमारी यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं डॉक्टर अतुल कृष्ण जी, वो भी उपस्थित थे, और जितने विद्वान प्रोफेसर यहाँ पढ़ाते हैं सब उपस्थित थे, और संयोग से प्रेजाइड मैं ही कर रहा था। तो नंबर तो बाद में आता है, प्रेसिडेंट का सबसे बाद में अध्यक्ष को बोलना पड़ता है, लेकिन क्योंकि मुझे सुनने के लिए मेरे विद्यार्थी लायक, एक तरह से विद्यार्थी भी और इस संस्था के विभिन्न महाविद्यालयों के प्रोफेसर डीन ये बड़े उत्सुक रहते हैं। लेकिन क्योंकि समय बहुत हो गया था, बच्चे धूप में खड़े थे, एनसीसी वाले भी बेचारे अपनी पोजीशन लिए हुए खड़े थे, मैंने सबसे पहले ये कह दिया कि मैं आज अपना सबसे छोटा भाषण दूंगा। इसलिए मुझे अवसर मिल गया कि जो मेरा मां बैटर रह गया मैं उसे अब पूरा कर रहा हूं। और नेताजी के संदर्भ में मैं ऐसी बातें बतलाऊंगा आपको, एक तो ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, ऑथेंटिक खबरें हैं और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है इनके, ये नहीं कि मैं किसी कल्पना से बोलूंगा, मैं फैक्ट्स पर आधारित कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो श्रोताओं ने भी और जो ये अरेंज कर रहे हैं आयोजक इनको भी मालूम नहीं होंगे। देखिए शुरू करता हूं मैं अब अपनी बात, ये तो मैंने भूमिका बनाई। वास्तव में अगर देखा जाए, मैं वो कहानी तो सुनाऊंगा नहीं कि कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, माताजी का नाम क्या था, पिताजी का नाम था क्या, लाभ पढ़े कहाँ पर, किस अंग्रेज को पीटा, कब हड़ताल कराई, कैसे यहाँ से जर्मन गए, कैसे जर्मन से जापान पहुंचे, ये तो मैंने बतला दिया कुछ इन शब्दों में है। मैं ये कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं वो कहानी सुनाऊंगा आदमी से ऊपर, मानव से ऊपर, सुपर ह्यूमन कैटेगरी होती है, एक मानवेतर श्रृंखला होती है, उसमें मैं दोनों चीजों को मिलाकर बोलूंगा क्योंकि मुझे अवसर मिल गया, जो चीज मैं वहां नहीं सुना सका था वो यहाँ आपको सुनाऊंगा। मुझे पता नहीं कितना समय दिया जाएगा, लेकिन जब तक संकेत नहीं होगा मैं बोलता रहूंगा। सुनिए, इस भारतवर्ष में जिस मैंने पत्रकार का नाम लिया, वो मामूली पत्रकार नहीं है, वो उनको 32 साल का अनुभव था और वो बहुत अच्छा बोले। उन्होंने भी पहले भारत की सीमा बतलाई, लेकिन संयोगवश हो जाता है ऐसा, अच्छे वक्ता भी कभी कभी चीजों को बोलता है। तो मैंने जहां उन्होंने छोड़ा वहीं से मैंने प्रारंभ किया, अस्ति उत्तरस्यां दिशि, अस्ति उत्तरस्यां, अस्ति उत्तरस्यां दिशि यस्य, देखिए मैं बोलते बोलते वहां मैंने बिल्कुल शुद्ध बोला है, लेकिन अभी मैं कंफ्यूज हो गया। अस्ति उत्तरस्यां दिशि यस देवतात्मा हिमालयो नाम नगादि राजा पूर्वा अपरोचो तो निरी बघा इति, ये इस तरह का एक श्लोक है कुमार संबंध में कालिदास का लिखा हुआ, उसमें भारत की सीमा बताई है।
अस्थि उत्तर श्याम दिशी, जिसकी उत्तर दिशा में हिमालय और दक्षिण दिशा में जिसके चरणों को पखारने वाला, पश्चिम दिशा में जिसको स्नान कराने वाले और पूर्व दिशा में जिसके समुद्र है। सोचो उसके मध्य में जो स्थित है वो भारतवर्ष है। इतने विशाल भारत के बीच में इतने पराक्रमी व्यक्ति पैदा हुए हैं, उनकी एक श्रृंखला सुनिए। भारतवर्ष में वर्तमान काल में, वर्तमान काल से मेरा अभिप्राय अब से 10 वर्ष पूर्व तक, बल्कि 2 वर्ष पूर्व तक, श्री कृष्ण सरल हुए मध्य प्रदेश में। और श्री कृष्ण सरल ने 17 तो महाकाव्य लिखे और 17 के अलावा 26, 17, 26 43 पुस्तक होती, 43 पुस्तक काव्य की लिखी। इनमें सबसे ज्यादा पुस्तकों में श्री कृष्ण सरल जी ने नेताजी का वर्णन दिया है। उनसे बेहतर राइटर अब तक संसार में महाकाव्य लिखने वाला नहीं हुआ है, कि ऐसा कोई लेखक नहीं हुआ जिसने 17 महाकाव्य लिखे हों। मैं उन्हीं का एक पद कोट कर रहा हूं, पराक्रमी जितने हुए भारतवर्ष में राम के समय से और आज के समय तक, उनका एक पंक्ति में ही नाम आ जाएगा और उस पर आधारित मैं आगे की बात बोलूंगा। सुनिए, राम कृष्ण महावीर बुद्ध गुरु गोविंद प्रताप शिवाजी से कवि कोविद कह चुके, जिसे अब और कहो क्या कहें उसे। ये दो पंक्ति देखिए, मैंने नाम पहले बता दिया है, खंड काव्य है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राइटर हैं श्री कृष्ण सरल। राम कृष्ण महावीर बुद्ध गुरु गोविंद प्रताप और शिवाजी से, उन ये अपने जो खंड काव्य है, खंड काव्य में 9 सर्ग हैं और 9 सर्ग ज्यादा से ज्यादा होते हैं, 11 नहीं होते, 9 सर्ग अधिक से अधिक सर्ग किए जाते हैं खंड काव्य में। इन 9 सर्गों में राम कृष्ण महावीर गुरु गोविंद प्रताप और शिवाजी, इन पराक्रमियों का नाम लेते हुए जो नवा खंड है, नवा सर्ग है, उस सर्ग का नाम रखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब आप ये सोचिए कि ये पराक्रमी महापुरुष जो जीवन भर पराक्रम दिखलाते रहे, इन पराक्रमी महापुरुषों के शीर्ष पर श्री कृष्ण सरल नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ले गए। तो ये मैंने केवल 2 लाइन इसलिए पढ़ी हैं कि किसी को ये शक ना रह जाए कि नेताजी इस संसार में सबसे पराक्रमी व्यक्तित्वों में आते हैं। अब मैं उनके आपको जैसा मुझे समय देंगे उसके मुताबिक बोलूंगा आगे। केवल उनकी लाइफ के 3 पराक्रम गिनवाता हूं और ये पराक्रम जिस तरह ये एक्सप्रेस चल रही है ना, मेरठ को एक्सप्रेस वे निकल रहे हैं, इस तरह से मुझे भी आप ये मानिए कि मैं भी एक्सप्रेस वे में हूँ, सभी जा चुके हैं, ये बेचारे इसको लगा के सिस्टम को चले गए, मुझ पर तो मामू नहीं पहुंच रहता है, इनका भी धन्यवाद बाद में करूंगा। अब आप सुनिए उनके जीवन के 3 महापराक्रम। वैसे तो नेताजी सुभाष चंद्र ने जिस दिन ICS से त्याग पत्र दिया था उसी दिन से उनका पराक्रम शुरू हो जाता है। शुरू असली तो शुरू माताजी ने एक दिन ये कह दिया था, यू पराक्रमी पता नहीं क्या करके रहेगा, और किसी से नहीं कहा, उनके पिताजी के सामने कहा था, कुछ कर रहे थे, नटखट थे बचपन में, 5 साल की उम्र थी, कि पता नहीं ये पराक्रमी क्या करके रहेगा, इतना सुनार प्राण त्याग दिए, 5 साल की आयु में प्राण त्याग दिए, चारों ओर शोर मच गया, घर में रो होता है जिस तरह का, मरने के बाद उस तरह का वातावरण बन गया। इसी बीच में तब तक जीवित थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी का वहां आगमन होता है, वो पूछते हैं भाई क्या बात हो गई, इस तरह से मेरे 7वां 8वां बच्चे 8वें नंबर पर थे या 7वें पर, कि सर इसी से लड़का था, अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो तो प्राण छोड़ दिए उसने, ऐसा कैसे हो सकता है। स्वामी जी बिना किसी से कुछ पूछे हुए अंदर गए, मस्तक को स्पर्श किया, माथे को स्पर्श किया और सुभाष में प्राण आ गए। प्राण आते ही वहां से ही सच मानो, ये मैं कोई कल्पना नहीं दे रहा आपको, ये वास्तविकता है। स्वामी जी चले बेचारे 1902 में ही चले गए थे स्वामी विवेकानंद जी तो, लेकिन हो सकता है उनकी आयु सुभाष चंद्र बोस को मिल गई, उनके गुण मिल गए हों, जो भी कुछ हो। मैं आप स्वामी जी को छोड़ता हूँ, केवल नेताजी पर ही बोलूंगा। अब शिक्षा भी पूरी कर ली, शिक्षा सबसे बड़ा पराक्रम था नेताजी सुभाष चंद्र के टाइम में, नेताजी अभी से जोड़ना शुरू कर रहा हूँ पीछे, उनके समय तक किसी भी विद्यालय में कोई हड़ताल विद्यार्थियों की नहीं हुई थी भारतवर्ष में। नेताजी को जब ये पता चला, नेताजी ने जब अपनी आंखों से देखा है कि कॉलेज की स्थिति इसमें परिस्थितियों में ये अंग्रेजों के बच्चे, अंग्रेजों से संबंधित लोगों के बच्चे और सीनियर ऑफिसर्स के बच्चे, इनको सारी सुविधा मिलती है और जो हमारे भारतीय बच्चे हैं उनको किसी तरह की सुविधा नहीं दी जाती, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, ये तो बहुत बुरी बात है, पहले तो चेतावनी दी
और चेतावनी के बाद जब कुछ सुधरती नहीं देखी, संयोग से एक दो साथियों ने आकर शिकायत कर दी कि एक प्रोफेसर ओटन है और इसी तरह से भारत के साथ भारतीयों को भी गाली दे रहे हैं, भारत को भी गाली दे रहे हैं, ऊट पटांग भाषा बोल रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हुई और सुभाष उठे और सीधे जाकर जो करना चाहिए था उस प्रोफेसर का दिमाग सही कर दिया। कहने का अभिप्राय समझ रहे होंगे आप, पिटाई शुरू कर दी उसकी। पिटाई शुरू करने के बाद शिकायत है प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल पर गई, प्रिंसिपल थे अंग्रेज, वो कैसे उनके पक्ष में रह सकते थे, प्रिंसिपल एक्सपेल कर दिया। कॉलेज से एक्सपेल करते ही विद्यार्थियों में जो गुस्सा फूटा वो भारतवर्ष की पहली हड़ताल कहलाई कॉलेज में। नेताजी का एक साल के लिए कॉलेज से तो एक्सपल्सन हो गया, लेकिन नेताजी ने उसको वरदान माना कि मेरे संघर्ष करने का मार्ग प्रशस्त हो गया उसी घटना से। और फिर मैं आगे बढ़ता हूं, जैसे मैंने कहा था कि एक्सप्रेस चलूंगा, नेताजी ने उस समय से लेकर और आईसीएस पास करने तक इतनी घटनाएं हैं, अगर मैं ही बोलता रहूंगा तो पता नहीं और भी वक्ता इनके पास होंगे, उनका नंबर नहीं आएगा, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में ब्रीफ में बोल रहा हूं कि जब आईसीएस पास कर लिया पिताजी का ताना देने के पश्चात के ये कुछ नहीं करेगा हमें, तो अगर तू बुद्धिमान है पढ़ने लिखने वाला तो आईसीएस करके दिखा, इसी ताने को सुन के गए और जो कोर्स 2 या 3 वर्ष में पूरा होता था 9 महीने में उस कोर्स को पूरा करने के पश्चात आईसीएस में चतुर्थ श्रेणी चौथी पोजिशन जितने छात्र बैठे थे उनमें चौथा स्थान प्राप्त किया। और मैं एक रहस्य की बात बताऊं जब बैठ गया बताने के लिए, चौथा स्थान किस लिए था, चौथा स्थान मात्र इसलिए था कि सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज का बच्चा नहीं था, अंग्रेजी बेटा नहीं था, भारतीय बेटा था। अगर वो किसी अंग्रेज का बेटा होता तो चौथी पोजिशन नहीं फर्स्ट पोजिशन आती, इसके रहस्य को आप अर्थ लगाते रहना इसका। चौथी पोजिशन जब उसकी आ गई अपनी पोजिशन के अनुरूप, सब में खुशी फैल गई, पिताजी इतने प्रसन्न, पिताजी तो इतने प्रसन्न नहीं हुए, जानकीनाथ को अधिक प्रसन्नता नहीं हुई। मैं एक सेंटेंस छोड़ गया उससे पहले, आईसीएस से इस्तीफा दे दिया कि अगर मैं आईसीएस बना तो इन अंग्रेजों की मुझे सेवा करनी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी, मुझे नहीं करनी नौकरी। इस सूचना को सुन के पिताजी तो बहुत दुखी हुए, लेकिन माताजी बहुत प्रसन्न हुई कि मेरा बेटा कम से कम मेरे पास तो रहेगा, अच्छा है अंग्रेजों की नौकरी छोड़ के आ रहा है। वहां से चलकर सबसे पहले महात्मा गांधी जी से मिले, उनके आश्रम में महात्मा गांधी जी के सारे किस्से सुने कि महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं चाहता हूं सत्य और अहिंसा के आधार पर हिंदुस्तान आजाद हो जाए, यही मेरी सिद्धांत, यही मेरा प्रण है। जब सारी कथा सुन ली महात्मा जी से कि महात्मा जी जो रास्ता आप बता रहे हैं इससे तो ये भारतवर्ष अगले 200 साल तक आजाद नहीं होगा, मुझे संसार में एक उदाहरण दे दो कि वहां सत्य और अहिंसा से आजादी मिली हो, बिना युद्ध के किसी देश को आजादी मिली हो। अगर हिंदुस्तान को आजाद कराना चाहते हो तो निश्चित रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ेगा। गांधी जी बोले आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, तेरे विचार आदमी है, एक सी आर दास है कलकत्ते में, श्री चित्रंजन दास, वो थोड़े क्रांति विचारों के पूंछ के पास चले जाओ। ये सीधे वहां से आते हैं चित्रंजन जी के पास और चित्रंजन जी इनके विचारों से शत प्रतिशत सहमत होकर इन्हें कार्यभार सौंप देते हैं, पहले अध्यापक बना देते हैं, फिर प्रिंसिपल बना देते हैं, फिर अपने आप ये मेयर भी बनते हैं कलकत्ते के। और मेयर बनने के बाद 1922 में जब तूफान खड़ा हो गया नेताजी के नाम पे कि सारे सुधार सुभाष चंद्र बोस ने कर दिए और परेशान हो गया प्रशासन, तो कोई बिना बहाने कोई किसी तरह का दोष नहीं था, सीधे जेल में डाल दिया सुभाष चंद्र बोस को 1922 में। 1922 में नेताजी का क्रांतिकारी रूप प्रकट हो जाता है और 1922 से लेके 1932 तक 10 साल खुल के काम करते हैं और 9 बार जेल चले जाते हैं, 2 बार शेष रह जाएंगे अभी, खुल के जेल जाते हैं और जो कार्य बाहर कर रहे थे, जो कर पराक्रम बाहर कर रहे थे, जो उनकी कार्य करने का तरीका बाहर था वो ही जेल के अंदर था। जितना अध्ययन बाहर करते थे उससे ज्यादा अध्ययन जेल में करते थे, जितना कार्य बाहर करते थे एज एग्जीक्यूटिव अफसर उतना ही जेल में सारा सामान मंगाकर वहां करते थे, अंग्रेज वहां भी परेशान। अंत में जब ये 11वीं बार अरेस्ट हुए, जेल में डाले गए, तो इन्होंने निर्णय किया कि अब इन अंग्रेजों का इलाज करना है। और क्यों किया कि इतना आत्मविश्वास बढ़ गया था, इससे पहले कलकत्ते की ही जेल में रहकर
साधना के आधार पर जो ये अष्टांग योग गिने जाते हैं आजकल हमारे योगाचार्य करा रहे हैं रामदेव जी, ये योग के 8 अंग होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। समाधि तक का अभ्यास नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कर लिया और जब समाधि में जाने लगे तो ईश्वर की कृपा से योग की जो पूर्ण शक्ति होती, पूर्ण शक्ति जानते हो क्या होती है, पूर्ण शक्ति होती है दीवार के पार का, अगर किसी को दिखाई देता तो योगी को दिखाई देता है। जब ये शक्ति नेताजी ने प्राप्त कर ली तो वैसे तो बचपन से निर्भीक थे लेकिन इस शक्ति के आभास, इस शक्ति की अनुभूति से वो सक्षम हो गए कुछ भी करने के लिए और ऐलान कर दिया जेल में ही कि मृत्यु या आजादी, या तो मरूंगा या आजाद कीजिए भारत को। अंग्रेज दहल गए, नेताजी का नाम गांधी और नेहरू से आगे पहुंच चुका था, ये आगे पहुंच चुके थे नाम के आधार पर और उसका प्रमाण मैं अभी दूंगा आगे चल के कैसे आगे पहुंच गए थे। एक मूल चीज मैंने कहा था, कुछ ऐसी बात बताऊंगा जिनका किसी को पता नहीं है, नेताजी की आयु थी 31 वर्ष 1928 में और 1928 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू जी बहुत प्रसिद्ध एडवोकेट थे, वो थे कांग्रेस के राष्ट्रपति, कांग्रेस के अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहा जाता था। उनका जो वार्षिक समारोह होता कांग्रेस का उसका आयोजन था कलकत्ते में और कलकत्ते के आयोजन में जो स्वयं सेवक थे कांग्रेस के वर्क करने वाले जैसे हमारे आरएसएस के ये होते हैं ना राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ऐसे ही ये उसी की नकल है कांग्रेस की, उसके स्वयं सेवक कहलाते थे कांग्रेस में जो वर्कर होते थे, नवयुवक जो होते थे, उन नवयुवकों की टीम का जो संचालन करना था उनको आया पढ़ो मिश्रा जी आप म्यूट हो गए हैं। देशरा जी आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट करना पड़ेगा। देशरा जी आप बोलिए। सर मुझे ये बता दो कितने समय और बोलना है। आप 15-20 मिनट बोल सकते हैं, 25-20 मिनट 5 बजे तक बोल सकते हैं। अच्छा बीच में आप कोई क्वेश्चन करोगे, मैं बोलता ही रहूं। 15-20 मिनट बोल लीजिए उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन लास्ट में करेंगे। जहां छोड़ा था वहीं से बोलो या अचानक पता नहीं क्या डिस्टर्बेंस आया था इसमें। हाँ जहां छोड़ा था वहीं से बोलिए, 1-2 मिनट पहले तक आवाज आई थी आपकी। अच्छा ठीक है जी। ठीक तो अब मैंने जिक्र किया कि नेताजी की आयु थी 31 वर्ष और कलकत्ते में आयोजन था जो इनका वार्षिक सम्मेलन होता कांग्रेस का, पूरे देश का पूरा राष्ट्रीय सम्मेलन कांग्रेस का था, उसमें जो नवयुवकों की बागडोर थी वो नेताजी ने संभाली। ये सुनने की बात है जो मैं बताऊंगा, ये आज तक ना तो आपको किसी ने बताई होगी और ना आपने सुनी होगी। इसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मुझसे जब चाहो आप ले सकते हो, मेरी यूनिवर्सिटी को लिख सकते हो कि इसका हमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भेजो। ये सबसे पहले 1928 दिसंबर में जो वहां वार्षिक सम्मेलन हुआ कांग्रेस का, जिसमें मोतीलाल जी एज ए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कहा जाता था कांग्रेस के अध्यक्ष को, वो आए तो इनके स्वागत का भार वो नेताजी का जो वॉलंटियर्स थे जो नवयुवकों की सभा थी उसको सौंपा गया, तो उसको कमांड करने के लिए नेताजी को चुना गया क्योंकि युवकों के लीडर या युवकों के जो संगठन करता थे नेता वो सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने अपने जितने वॉलंटियर्स थे उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी, आप आश्चर्य करोगे
सेना जिस तरह सुसज्जित होती है इस तरह स्वयं सेवकों को सुसज्जित किया, और स्वयं सबसे आश्चर्य की बात यह है ये चीजें अब डिस्क्लोज होनी चाहिए, नेताजी ने स्वयं उस समय जो फील्ड मार्शल होता था ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो फील्ड मार्शल होता था, सबसे बड़ा फील्ड मार्शल से ऊपर और कोई रैंक नहीं होती और कोई डेजिग्नेशन नहीं होता, उस फील्ड मार्शल की ड्रेस के अनुकूल जैसी फील्ड मार्शल ड्रेस यूनिफॉर्म पहनता था ठीक उसी तरह की यूनिफॉर्म नेताजी ने पहनी, उस यूनिफॉर्म में स्वयं को सुसज्जित करके, और एक जो कलकत्ते में सर्वश्रेष्ठ घोड़ा था वो घोड़ा मंगवाया गया, उस घोड़े पर सवार हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारी यूनिवर्सिटी में वो दोनों चित्र हैं, घोड़े के साथ भी और बिना घोड़े भी। नेताजी ने उस यूनिफॉर्म को पहनकर नियंत्रण किया अपने स्वयं सेवकों पर और स्वयं सेवकों को निर्देश देते रहे। अचानक ये है सुनने की बात, गौर से सुनिए, जिसे मैं ये कह रहा था पता नहीं है किसी को, 50,000 व्यक्तियों की भीड़, कहीं कहीं इसे 1,00,000 भी लिख दिया गया है, लेकिन जो मूल पुस्तकें मैं उन डॉक्यूमेंट्स प्रूफ में उनको मानता हूं जो सन 1946 से पहले या 1946 तक जो लिटरेचर नेताजी के बारे में प्रकाशित हो चुका है उसको मैं लिटरेचर मानता हूं नेताजी के बारे में, और उसके बाद सन 46 के बाद जो रचनाएं लिखी गई हैं वो उनमें कल्पना भी जोड़ी गई है, कल्पना के साथ साथ लेखक ने अपने विचार भी जोड़े हैं, जो मूल तत्व या मूल तथ्य थे उनको थोड़ा अलग कर दिया गया है। जिस समय सम्मेलन चल रहा था, प्रोग्राम चल रहा था, भाई मधुर ये फिर कोई डिस्टर्बेंस आई है, ये पर्दा बंद हो गया तो जिस समय सम्मेलन चल रहा था प्रक्रिया में था, उसी समय 50,000 की भीड़ जिसमें कलकत्ते के मजदूर और मजदूरों के नेता शामिल थे, वो भी अब सोच के देखिए 50,000 की भीड़ सम्मेलन में शामिल होने के लिए आई थी। वैसे तो ये ध्यान के कि हमारे कांग्रेस का बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, अपनी समस्याएं वहां रखेंगे, और दूसरे ये प्रो मजदूर थे, सुभाष चंद्र बोस खुद प्रो मजदूर थे। तो जब वो भीड़ आई, अचानक नेताजी को नियंत्रण करना था, अब क्योंकि फील्ड मार्शल की यूनिफॉर्म पहने हुए थे और अनेक उनके साथी कार्यकर्ता जो स्वयंसेवक थे वो दूसरी फौजी उसमें सैनिक वर्दी में थे, नेताजी को उस यूनिफॉर्म, सुभाष चंद्र बोस को उस यूनिफॉर्म में देखकर वो भीड़ आश्चर्यचकित हो गई, और नेताजी ने निर्देश दिया कि जब तक मेरा संकेत ना हो, पहले तो मेरे ये वॉलंटियर सुने और फिर ये भीड़ सुने, जब तक मैं निर्देश ना दूं कोई भी इसमें अंदर इसके कोई भी नहीं जाएगा, ये कहकर अपने शब्दों के अनुरूप भीड़ को नियंत्रित किया और भीतर से निर्देश लिया कि ये स्थिति है। जब अंदर से ये आ गया कि मेरे नियंत्रण में है, मेरे मुताबिक बैठेंगे, मैं जैसे चाहूंगा वैसे बिठाऊंगा, आप स्वीकृति दीजिए या अस्वीकृति दीजिए, स्वीकृति मिल गई और उस पूरी भीड़ को उस सम्मेलन में सम्मिलित कर लिया गया। ये सबसे बड़ा पराक्रम प्रारंभ में। सच पूछो, अगर वास्तविकता को तलाश करो, सत्य को कुरे दो, तो नेताजी के मन में वहीं से आजाद हिंद फौज का विचार उत्पन्न हो गया था, वहीं सोच लिया था कि जिस अफसर की यूनिफॉर्म मैंने पहनी है, मांग कर नहीं पहनी, बनवा कर पहनी है, एक रोज वो अवसर आएगा जब मैं इस यूनिफॉर्म के योग्य होकर मैं वही रैंक प्राप्त करूंगा। और आपको आश्चर्य होगा, इसी के साथ दूसरा आश्चर्य जोड़ता हूं, ये जो शब्द मैंने कहे हैं मैंने तो कह दिए, उस सम्मेलन में कुआलालंपुर के एक नाम था उनका शायद महावीर, महावीर नाम के एक उच्च कोटि के पत्रकार, उच्च कोटि के साहित्यकार आए हुए थे जिनका नाम था महावीर। उन्होंने ये सम्मेलन समाप्त होने के पश्चात, जैसे जैसे बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यूनिफॉर्म पहने हुए और नियंत्रण करते हुए देखा था, ये सबसे पहले कहे भाई मुझे उससे मिलाइए जो अफसर बनकर यहाँ भीड़ को नियंत्रित कर रहा था। ये नेताजी के पास पहुंचते हैं महावीर जी, उच्च कोटि के साहित्यकार, उच्च कोटि के पत्रकार, ये उसके पास पहुंचने के पश्चात अभिवादन करते हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हारा नाम मैंने सुन लिया, सुभाष चंद्र बोस,
मैं अपने दिल की बात कहे बिना नहीं रहूंगा। अगर आज मेरे हाथ में सत्ता होती तो आज ही आपको GOCNC सेना का सबसे बड़ा कमांडर आज ही नियुक्त कर देता। नेताजी ने धन्यवाद कहा और ये तीन शब्द और बोले, वेट एंड सी। उस वेट एंड सी का मैंने दो बार प्रयोग कर लिया है आपके सामने। ये एक्सप्रेस चलने का जिस समय जर्मन में ये असंभव हो गया कि यहां से भारतवर्ष की ब्रिटिश आर्मी पर, ब्रिटिश इंडियन आर्मी पर आक्रमण करना, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए भारत पर आक्रमण करना अंग्रेजों के विरुद्ध संभव नहीं है, क्योंकि तीन रास्ते चुने थे, एक रशिया होकर अफगानिस्तान होते हुए भारत पर चढ़ाई करना, और एक ये तो रशिया होते हुए और दूसरा सीधा उन पर्वतों को पार कर, जिनको पार करके वहां गए थे। तीनों रास्ते असंभव थे, इसलिए बराबर नेताजी से भी बड़ा क्रांतिकारी, केवल क्रांतिकारी बता रहा हूं और कुछ बड़ा नेताजी से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, रास बिहारी बोस, जो सारी योजनाओं के हर प्लान के प्लानर थे। वो एग्जीक्यूट करने में थोड़े ढीले थे लेकिन प्लानिंग करने में सबसे आगे थे। उनका वर्क चल रहा था अंडरग्राउंड, सारा वर्क उनका जापान में रहकर चल रहा था। और माला तो जो यहाँ के राजदूत थे जापान के जर्मनी में, उनके माध्यम से रास बिहारी की सारी सूचनाएं नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस को जाती थी, और सुभाष चंद्र की सारी घोषणा रास बिहारी जी का, उनके अनुसार अपने संगठन उनके बन रहे थे। दो संगठन बनाकर रास बिहारी जी ने तैयार कर दिए थे, एक तो संघ, संघ का मतलब ये संघ नहीं जो आजकल चल रही है, वो संघ थी आजाद हिंद संघ, नेताजी की आजाद हिंद संघ जो रास बिहारी जी ने तैयार की, और दूसरा आजाद हिंद फौज। जो परिस्थितियां जर्मन में थी, जितने कैदी वहां पकड़े थे जर्मन वालों ने, उनको नेताजी ने बदल लिया था इंडियन लीजन में, लीजन जर्मनी भाषा में फौज को ही कहते हैं, वो आजाद हिंद फौज वहां बना ली थी, और वही आजाद हिंद फौज यहाँ रास बिहारी जी ने, नाम किसी का जोड़ दो लेकिन बनाने वाले दो ही आदमी थे, पूर्व में रास बिहारी बोस और मध्य में, ये मध्य कह लो इसे, पश्चिम कह लो, जर्मनी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जब ये देख लिया कि जर्मन में रहकर मेरी योजना संभव नहीं है, बात हुई हिटलर से। अब वो कहानी भी बहुत लंबी है, हिटलर ने क्या कहा, हिटलर ने 10 गुना बड़ा मानकर सैल्यूट किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कि आप मामूली आदमी नहीं है, संसार में मैं आप स्वयं को आज तक सबसे बड़ा डिक्टेटर समझता था, सबसे बड़ा तानाशाह समझता था संसार का, लेकिन और संसार का सबसे बड़ा तानाशाह समझने के साथ साथ मैंने आज तक किसी को सैल्यूट नहीं किया, लेकिन आज जब मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि मुझसे 10 गुना बड़ा नेता मेरे सामने खड़ा है, इसलिए मैंने आपको सैल्यूट किया। इस कहानी को भी यही छोड़ता हूं। जब ये कह दिया नेता, कुछ एक दो बात हिटलर ने ऐसी कह दी थी जो नेताजी को बर्दाश्त नहीं, और नेताजी ने साफ कह दिया कि हिटलर महोदय, मैं उस जाति की आंखों में धूल झोंक कर, जो संसार में स्वयं को सबसे चालाक समझती है, उसकी आंखों में धूल झोंक कर आपके देश में आया हूं। मैं हिंदुस्तान का सौदा करने के लिए नहीं आया हूं, मेरी इच्छा के अनुसार, मेरे अपेक्षा के अनुरूप अगर आप सहायता देंगे तो सहायता स्वीकार करूंगा, अगर इसमें कहीं भी आप हस्तक्षेप करेंगे तो मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए। जैसे हिंदुस्तान से जर्मन आया हूं, ऐसे जर्मन से मैं जापान या हिंदुस्तान जहां चाहूंगा वहां चला जाऊंगा। ये चुनौती दे दी थी हिटलर। अब हिटलर सारी व्यवस्था करता, जब ये देख लिया कि यहां से आक्रमण भारतवर्ष पर नहीं किया जा सकता, हिटलर ने सारी व्यवस्था की जो नेताजी के लिए रास बिहारी जी की सलाह पर, तोजो के निमंत्रण पर जर्मनी से जापान भेजने की थी, और उस व्यवस्था के अनुरूप एक पनडुब्बी सजवाई, उस पनडुब्बी के आगे पीछे पनडुब्बी लगाई गई कि इसकी सुरक्षा करनी है, ये सुरक्षित जाना चाहिए जापान तक। वो पनडुब्बी से यात्रा प्रारंभ हुई। एड्रियाटिक सागर पर एक कील जगह है, कील नहर, उस बंदरगाह से ये यात्रा शुरू होती है और पूरी अफ्रीका के दर पश्चिमी छोर का चक्कर काट के मेडागर पास आती है। मेडागास्कर द्वीप के पास जर्मनी पनडुब्बी उधर से आ रही थी और इधर से जापान की पनडुब्बी जा रही थी, वहां इनको डॉक्टर साहब अगर 10 मिनट में अगर हम कर पाए तो प्रश्न प्रश्न के लिए भी समय रहेगा, 10 मिनट में हो पाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप ये बता दो मुझे कितने मिनट में खत्म कर दूं? 10 मिनट में हो जाए तो अच्छा रहेगा। 10 मिनट में 9 मिनट में खत्म करता हूँ। ठीक है ताकि प्रश्न भी लोग पूछना चाहेंगे ना आपसे काफी। बिल्कुल बिल्कुल प्रश्न पूछो, मैं स्वतंत्र जितनी देर चाहोगे उतनी देर प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आप तो मैं ही बैठा हूँ यहाँ अकेला। ठीक है धन्यवाद। तो ये 90 दिन की यात्रा मैंने मेडागास्कर द्वीप का नाम लिया,
ये बिल्कुल द केप ऑफ गुड होप स्टेट है, उसके नीचे अंतरीप है, कुमार अंतरीप है इस नाम से कुछ, वो केप टाउन केप अंतरीप के बीच होती हुई जब मेडागस के पास आती है जहां ट्रांसफर होना था, तूफान आ जाता है भयंकर तूफान। आप सोचिए महीना था फरवरी का, कितनी भयंकर सर्दी होती है, वहां पर समस्या आ गई कि ट्रांसफर हो तो हो कैसे, समुद्र में तो तूफान आया हुआ है, लेकिन जो चलते हैं पनडुब्बियों को लेके उनके पास सारी व्यवस्था होती है कि किस संकट की किस घड़ी में क्या किया जाए। दोनों की वार्ता हुई, जर्मन्स की भी और जापान वालों की, के सिवा रस्से के सहारे आने के अतिरिक्त और कोई भी माध्यम नहीं है। रस्सा डाला गया और इस इनके साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ एक ही ट्राइड सोल्जर इन्होंने चुने, उनका नाम था मेजर आबिद हसन। मेजर का रैंक शुरू में ही दिया था जब जर्मनी में सेना बनाई थी। मेजर आबिद हसन इनके साथ थे, दोनों आदमियों के लिए केबिन थी, बैठ के पैर फैला सकते थे, लेट के पैर फैलाने की जगह नहीं थी उस केबिन में जिसमें इन दोनों ने सवारी की। क्या खाया कैसे रहा, इसको छोड़ दूंगा तो मिनट, मैंने 9 मिनट लिए, 9 मिनट में ये कहानी पूरी नहीं होगी। उस पनडुब्बी में यात्रा करते करते जब ट्रांसफर की बात आ गई, रस्सा डाला गया और रस्से के सहारे अपने सारे सामान को लेकर पिट्टू जैसे कहते हैं कमर पे लादे, दोनों के दोनों जर्मन पनडुब्बी से जापान वाली पनडुब्बी में आ गए। वो पनडुब्बी यात्रा करते करते जैसे स्वामी जी ने कहा था कि भारतवर्ष की भूमि आओ तो मुझे दर्शन करा देना, वही स्थिति थी कि मुझे दर्शन करा देना जब कोई भारत की भूमि है। खैर सबांग एक जगह सुमात्रा में, सुमात्रा द्वीप है दक्षिण पूर्वी एशिया में जितने द्वीपों में सुमात्रा सबसे अच्छा द्वीप था उस समय, अब भी अच्छा है। सुमात्रा में सबांग में आ गए वो, सबांग में आने के पश्चात वहां से इनको टोक्यो ले जाया गया। टोक्यो किससे ले जाएगा, जहाज से ले जाएगा, जो हवाई जहाज होता। टोक्यो पहुंचे और टोक्यो जाने पर सारी बातें रास बिहारी बोस जी ने वहां के जनरल तोजो को बतला दी थी, जो भी बातें होनी चाहिए थी उनके संदर्भ में ये सब तोजो को बतला दी। तोजो को यकीन नहीं आ रहा था कि हिंदुस्तान में ऐसे भी आदमी हो सकता है, तो यही बहुत रास बिहारी, हम तो इस पर इतना वो नहीं क्योंकि वो नागरिकता ले चुके थे जापान की। लेकिन जापान वालों को ये विश्वास हो गया था कि जब रास बिहारी बोस इतना कार्य इन्होंने भूमिगत रहकर किया है तो उसको तो ये बता रहे हैं कि वास्तविक नेता जो मेरी प्लान को एग्जीक्यूट करेगा मेरी योजनाओं को वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो तो पता क्या होगा, इसलिए इनके संदर्भ में सारी बातें तोजो ने मालूम कर ली थी। तोजो से जब भेंट होती है नेताजी की, तोजो ने दिए थे उनको 5 मिनट बात करने के लिए, लेकिन जब वार्ता प्रारंभ हुई तो आधे घंटे यही पता नहीं चला कि क्या वार्ता हो गई। आधा घंटा बीत गया तब तोजो ने कहा कि भाई हमें बतला दिया है रास बिहारी जी ने, आपका नाम वो सुभाष चंद्र बोस के साथ नेताजी लग गया जर्मनी में, हम तो आपको नेताजी ही कहकर बोलेंगे, जब जर्मन जैसे राज ने आपको नेताजी माना है तो उसी की तरह हम आपको आज से ही नेताजी मानते हैं, जापान में भी नेताजी कहना प्रारंभ कर। अब तोजो के साथ फिर मैं कहानी को और छोटी करता हूँ, अपने ढंग से सबसे पहले यूनिवर्सिटी दिखाई टोक्यो की यूनिवर्सिटी नेताजी को, और वहाँ हमारे फर्श की तरह जैसे हमारी बिल्डिंग्स में ये फर्श होते हैं कंक्रीट के सीमेंट के, ऐसे फर्श नहीं होते जापान में लकड़ी के फर्श होते हैं। तो यूनिवर्सिटी में बरामदे से जिस तरह नेताजी गुजरे थे, लंबा बरामदा था जैसे हमारे यहाँ रामेश्वरम में है लंबा बरामदा, उस बरामदे में घूमते घूमते कक्षाओं में विद्यार्थी पूरी कक्षाएं भरी हुई नेताजी देखते हुए जा रहे थे, दरवाजे खुले हुए, एक भी विद्यार्थी ने झूठ को भी ये नहीं देखा कि हमें ये अजनबी आदमी कौन जा रहा है। नेताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या है जर्मनी में जापान में। उन्होंने तोजो से प्रश्न किया कि जनरल साहब ये क्या है, मैं जान पूछ के अपने बूटों की आवाज भी करने लगा था लेकिन आपका एक भी विद्यार्थी बाहर की तरफ नहीं, क्योंकि जी हम सबसे पहले यही चीज सिखाते हैं, इस नेशन का एकमात्र सबसे बड़ा कारण है हमारी शिक्षा में ये अनुशासन है, इस अनुशासन की शिक्षा के आधार पर आज हम संसार में विकसित राष्ट्र में हैं, उस समय भी और आज भी पूरे एशिया में, उस समय भी विकसित राष्ट्र जापान था और आज भी, देश को 76 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं लेकिन अकेला जापान एक विकसित राष्ट्र है 69 राष्ट्रों में एशिया में। उस वक्त नेताजी ने इस वाक्य को सुनते ही निश्चय कर लिया था कि भारतवर्ष को सबसे पहले अगर ईश्वर ने अवसर दे दिया, मेरा स्वप्न साकार कर दिया, भारत माता स्वतंत्र हो गई, तो सबसे पहले मैं शिक्षा में
अनुशासन को सम्मिलित करके राष्ट्र को शिक्षित करूंगा। 15 वर्ष तक नई पीढ़ी को मैं अनुशासन की शिक्षा दिलवाऊंगा और उसके पश्चात साथ ही साथ 40 आदमियों का जत्था, 40 कैडेट्स का जत्था जो अंडर 30 थे, उनको अपनी आजाद हिंद जो बनाकर तैयार खड़ी कर ली थी आजाद हिंद संघ, उस आजाद हिंद संघ और आजाद हिंद फौज में जो अंडर 30 थे, ऐसे 40 टोक्यो कैडेट नाम देकर उनको टोक्यो में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया था कि हिंदुस्तान के प्रशासन में ये काम करेंगे। खैर, इसके बाद ये सब कुछ देखने के बाद रास बिहारी अपने तरीके से सब कुछ नेताजी को सौंप देते हैं कि आप ही तो आजाद हिंद संघ के सबसे बड़े अधिकारी होंगे, अध्यक्ष होंगे, आप ही जो मैंने यहाँ आजाद हिंद फौज बनाई है उसके सबसे बड़े सुप्रीम कमांडर होंगे और आप ही जो भविष्य में चाहेंगे वो कार्य करेंगे, ये दो चीज मैंने बनाकर खड़ी कर दी हैं, आगे आप जानो। नेताजी ने उनके निर्देशन अनुसार तीसरा संगठन क्या आजाद हिंद सरकार 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार बनाकर मिनिस्टर बनाकर 4 पद अपने पास रखे, आजाद भारत का राष्ट्रपति, आजाद भारत का प्रधानमंत्री, आजाद भारत का युद्ध मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर को उन दिनों युद्ध मंत्री कहते थे, आजाद भारत का युद्ध मंत्री और विदेश मंत्री, ये 4 पद अपने पास रखकर शेष पद अपने अधिकारियों में बांट दिए जो चुने थे उससे। और महिलाओं को हम कहते हैं सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण, अरे सशक्तिकरण देखता संसार में सबसे पहले महिला सेना का गठन करने वाले, महिला सेना का गठन करने वाले, रेजिमेंट बनाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी के नाम पर रानी झांसी रेजिमेंट का निर्माण किया। और उसमें जब मैं बहुत हिस्सा छोड़ के चल रहा हूं, जब 1000 युवतियां उसमें सम्मिलित हो गई और उनके बीच भाषण दिया तो उन्होंने कहा भारत में एक झांसी की रानी पैदा हुई है, युद्ध तो बहुतों ने किया, चेनम्मा रानी ने भी किया, भाई होलकर ने भी किया, गिना दिए सारे नाम जितने थे, लेकिन रानी झांसी की तुलना की अगर कहीं महिला होंगी तो मेरी रानी झांसी रेजिमेंट में होंगी, वो तो अकेली झांसी की रानी थी। मेरी इस रेजिमेंट में जितनी लड़कियां सम्मिलित हुई हैं इन सबका संबोधन रानी होगा, तो जितनी महिलाएं सम्मिलित हुई थी रानी झांसी रेजिमेंट में सबको रानी का संबोधन दिया गया था। ये भी चल रहा है सर, चल रहा है, बोलिए। अच्छा, सबको रानी कहकर पुकारा जाता था। युद्ध प्रारंभ हो गया और युद्ध घोष के साथ मैं वही शब्द बोलता हूं जो नेताजी ने बोले। देखिए, मुझ पर उन्हीं की कृपा है, मेरे मुझ में कोई क्षमता नहीं है। अब मैं केवल अंग्रेजी के कुछ सेंटेंस बोलूंगा, मुझे पता नहीं क्योंकि मुझे अटेंडम बोलना पड़ रहा है, इनका अभ्यास भी नहीं किया जो बोलने जा रहा हूं। देयर इन द डिस्टेंस बियॉन्ड दो जंगल्स, बियॉन्ड दो हिल्स, बियॉन्ड दो वैलीज, बियॉन्ड दो माउंटेन्स लाइज अवर प्रोमिस्ड लैंड, द सॉइल फ्रॉम विच वी स्प्रैंग, द लैंड to which we shall return now. Hark! India is calling, blood is calling to blood. Get up, take up your arms. We shall carve our way through the enemy's ranks. Or if God wills, if we die, we shall die a martyr's death. The road which our pioneers have built is the road which leads to Delhi. The road to Delhi is the road to freedom. Get up, give me blood. And I will give you freedom. चलो दिल्ली, जय हिंद। इस आह्वान के साथ प्रस्थान किया आजाद हिंद फौज ने सिंगापुर से और पूरे बर्मा को इरावदी नदी के किनारे 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 पार करते हुए नागालैंड में आकर घुस गए, मणिपुर में आकर घुस गए। और मणिपुर में मोयरांग एक जगह है, मोयरांग जगह पर भिड़ंत हुई, ऐसी भिड़ंत हुई कि नंगे पैर उलट पैर जितने अंग्रेज वहां इकट्ठे हुए थे, जितनी रसद वहां थी, सब रसद को, सब हथियारों को छोड़कर मोइरांगा में, अभी मेमोरियल बना हुआ, सौभाग्य मिले किसी को तो देखो जाके, यहाँ हमारे नजदीक हमारी यूनिवर्सिटी के आगे एक कर्नल रहते हैं अमरजीत सिंह, वो हमारे क्या है, वो तारीफ करते हैं उसकी, मोइरांग की, वो मोइरांग की विजय हुई, वहां पर ध्वज फहराया गया। उसी के साथ जापान वालों ने तभी जो द्वीप जीते थे हमारे अंडमान निकोबार, ये द्वीप नेताजी को सौंप दिए और नेताजी पहुंचे। अगर आ गया तो हमें नहीं छोड़ेगा ये,
भाग गया, वहां नेताजी ने भारत की स्वतंत्र भूमि पर पहला राष्ट्रीय तिरंगा फहराया सबसे पहले, और उन दीपों को नाम दे दिया स्वराज और शहीद। उसी से हम, वही हमारी आजादी का दिन, वही हमारी स्वतंत्रता दिवस और वही हमारा स्वराज दिवस, तीन नाम जुड़ गए। और जिस यूनिवर्सिटी में मैं अंतिम एक मिनट ले रहा हूं बस, जिस यूनिवर्सिटी में मैं काम कर रहा हूं, यहां एक वर्ष में जो ये मैंने तीनों दिन गिनाए हैं, 23 जनवरी जो आज का दिन है इसको हम पराक्रम दिवस के रूप में, इसके बाद 21 अक्टूबर आता है उसको अखंड भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में, और उसके बाद जब 30 दिसंबर आता है उसको स्वराज दिवस के रूप में हम यहाँ मनाते हैं। जो भी सेलिब्रिटी होती है, जिस तरह आज इन भाइयों ने मुझे अवसर दे दिया, उनको हम बुलाते हैं। मैंने शुरू में नाम बताया थे आप, आज हिंदुस्तान के वो पत्रकार जिनको देवऋषि नारद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, और वो पता नहीं कितने पुरस्कार उन्हें दिए गए हैं, आज वो हमारे मुख्य अतिथि। इन शब्दों के साथ मैं श्रोताओं को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, भले ही मैं आप लोगों को, मैं ये तो नहीं कह सकता मैं बोर कर रहा हूं, क्योंकि मैं नेताजी से संबंधित बोल रहा हूं, इसलिए बोरियत का तो शब्द प्रयोग होना नहीं चाहिए। और इसके साथ मैं अवसर देता हूं, क्योंकि जिन भाइयों ने मुझे अवसर दिया उन्होंने कहा था कि प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब जो भी आपके प्रश्न हो, टिपिकल हो या साधारण हो, जिस तरह के प्रश्न पूछने हैं, आवाज जरा बुलंद रखना, मैं साथ के साथ संक्षेप में उत्तर दूंगा। धन्यवाद डॉक्टर देशराज जी, आपने बहुत अच्छा बोला, और आप जिस तरह से बोल रहे थे तो लग रहा था कि हम लोग भी नेताजी के साथ उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, और सारी चीजों के हम लोग सहभागी हैं। दिया। बहुत मजा आया। और कृष्णा, कोई स्पीकर और है क्या? राकेश जी आने वाले थे। नहीं राकेश जी सर अभी ना जोड़ नहीं पा रहे। स्पीकर तो इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि विवेकानंद जी के आदर्श को मान के चलती है, तो स्पीकर तो यहाँ 101 बढ़ के मेरे दाहिने भी बैठे हैं, लेक्चरर बैठे हैं, मधुर जी बहुत सारे हैं, लेकिन इनका एक ही कहना है कि तुम्हें तो मौका मिल गया तैयारी करने का, हमें तो कोई तैयारी का मौका नहीं मिला। जब आप कहोगे ना बुलवा दूंगा मैं। हाँ, अगले कार्यक्रम में बिल्कुल हम तैयारी दे के बुलवाएंगे। अभी तीनों के नाम तिवारी जी हैं, बहुत ही संचालन करते हैं कार्यक्रमों का, बड़े ढंग से करते हैं तिवारी जी। और एक मधुर जी हैं, लेक्चरर हैं हमारे यहाँ, डॉक्टर हैं और पढ़ाते हैं कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन के लेक्चरर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, दो ही हो गए। और तीसरे डॉक्टर ए के अशोक जी हैं, उनका तो जवाब ही नहीं, 5-6 किताब नेताजी भी लिख दी उन्होंने, रोज जन क्या क्या शेर और शायरी जन क्या क्या लिखते रहते हैं, जितने वक्ता मांगोगे सब दे दूंगा आपको, मेरा नंबर आपके पास। अगले कार्यक्रम के लिए मैं आपसे काफी भाग गए यहाँ से छुट्टी में, अगले कार्यक्रम के लिए आपसे फिर ये करेंगे। अब आप प्रश्न कराइए नेताजी पे। तो उपदेश ये प्रश्न किया जाए, अब तो कोई वक्ता नहीं है ना, और अभी 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 प्रश्न शुरू कर सकते हैं क्योंकि अभी स्पीकर्स नहीं है कोई। ठीक है, तो प्रश्न के लिए हम खोलते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट नाउ। सो एनीबॉडी हु हैज एनी क्वेश्चन कैन आस्क, हिंदी में बोल सकते, पूछ सकते हैं, अगर उनको दिक्कत है अंग्रेजी में पूछ सकते हैं। ठीक है ना अजीत सर, मैं बात कर सकता हूं? मैं पूछ सकता हूं? तू मैं आस्क इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। हां कृष्णा बोलिए, प्रेफरेंस इज गिवन टू हिंदी। हां ठीक, कृष्णा बोलिए। हेलो, हां जी सुन रहा हूं। वेरी गुड इवनिंग सर। सर मैं, जैसे आप नेताजी के बारे में जब बात कर रहे थे, तो एज अ पर्सन हु हैज कंस्ट्रक्टेड इंडियन नेशनल आर्मी, तो उन्होंने यूथ ट्रेनिंग कराई होगी और कहीं ना कहीं उन्होंने एजुकेशन के ऊपर भी उनके थॉट्स और विजन होंगे, तो कुछ आप चीजें शेयर कर सकते हैं कि किस तरीके की एजुकेशन इम्पार्ट करने की बात वो करते थे, या फिर किस तरीके की क्वालिटीज। भाई जी आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, संगतिपूर्ण है। देखिए नेताजी ने जिस समय आजाद हिंद सरकार का गठन कर दिया, तो उसमें शिक्षा मंत्री भी बनाए गए, और शिक्षा मंत्री को बाल सेना का इंचार्ज तो बनाया गया, जैसे मैंने बताया था महिला सेना रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से थी, इसी तरह बच्चों की सेना थी बाल सेना, और उनके कार्य सेना की तरह थे। मैं उसको नए सिरे से अपनी बातों को आगे ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। बाल सेना में जो बालक थे उनका इतना ऊंचा मनोबल बढ़ गया था कि जो टैंक आते थे अपनी छाती से वो बम गोले बांध के मार्ग में लेट जाते थे, टैंकों को उड़ा देते, वो थी बाल सेना। और बाल सेना के अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया में जितने हमारे छोटे छोटे देश हैं, चाहे उसमें बैंकॉक, ये थाईलैंड की राजधानी है, सबांग मैंने पहले, सुमात्रा, जावा, बोर्निया, सिंगापुर, ये जितने देश हैं, इन सब देशों में नेताजी के से पहुंचने से पहले रास बिहारी बोस ने
सब जगह आजाद हिंद संघ की स्थापना कर दी थी, यूनिट बन गई थी। नेताजी ने जाते ही क्या किया, उन यूनिट्स के माध्यम से उन सब जगह स्कूल खुलवा दिए और उन स्कूलों में अपनी योजना के अनुरूप जैसे देख कर आए थे जापान में अनुशासन बच्चों के लिए, वो अनुशासित शिक्षा प्रारंभ करा दी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था। भाई साहब एक बात और नोट कर लो, अच्छा हुआ आप इसका अगर रिले करो तो पूरा करना मेरी बात को। ऐसी आर्ट स्ट्रीम में जो हमारी पढ़ाई चल रही है हिंदुस्तान में, आर्ट साइड के जितने सब्जेक्ट हैं, हिंदी हो, ये लैंग्वेज में हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, कोई भी भाषा हो, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, भूगोल हो, ज्योग्राफी हो, सोशल साइंस हो, जितने विषय आर्ट स्ट्रीम में हैं, कोई विषय ऐसा नहीं है जिस पर नेताजी से संबंधित रिसर्च ना की जा सके, नेताजी पर शोध ना किया जा सके। ये तो आप लोगों का प्रयास है, जितना आप आगे को बढ़ाओगे देश आगे को बढ़ जाएगा। नेताजी के अनुरूप और किसी चीज को क्रियान्वयन कराओ या ना कराओ, नेताजी के अनुरूप शिक्षा का क्रियान्वयन करा दो और आपके फिर एक किसी रोज बुलवा देना, वो एक घंटे में शिक्षा पे बोलूंगा जो नेताजी की शिक्षा थी। अगर नेताजी की नीतियों को क्रियान्वित किया जाए तो देश ज्यादा नहीं 15 वर्ष में विश्वगुरु बन सकता है। और जो आपने ये कार्यक्रम चलाए हैं ना नई शिक्षा नीति के, मैं आपसे मुझे माफ करना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, नई शिक्षा नीति में आपको अगर ये पता हो कि कितनी एब्रीवेशन है, अगर उन एब्रीवेशन को हमारे स्कूल के अध्यापकों को जो इंटरमीडिएट तक के स्कूल के अध्यापक हैं उनसे ये कह दो कि भाई ये नई शिक्षा नीति में, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है इसमें 122 एब्रीवेशन है, हमें 10 को बता दो तुम फुल फॉर्म क्या बनती है, तो मेरा कान यही आके पकड़ लेना। और मैं आपको दे रहा हूँ आपके पूछने के लिए, अगर आपको पता हो तो आप बता देना, नहीं तो मैं बता मुझसे पूछ लेना कि बताओ जी आप ही बता दो। ये जो नीति आयोग है ये नेताजी की देन था, बम्बई के सम्मेलन में ये जो नेशनल प्लानिंग कमीशन था नेताजी ने बनाया था और तभी से चल रहा था। और इन्होंने आते ही क्या किया, आपकी नई सरकार ना हमारी नई सरकार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका नाम नीति आयोग रखवा दिया, क्योंकि वो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं उसके। अब मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सीधा, आप सीधी कह देना कि जी हमें पता नहीं तुम ही बताओ, मैं बता दूंगा आपको क्योंकि मैंने कोशिश करके निकाल दिया हो, मुझे बताओ नीति आयोग का क्या मतलब, नीति की फुल फॉर्म क्या है, बोलो ना नीति की फुल फॉर्म क्या है। सर कैसे चुप हो गए, सर किसी को आप बता दीजिए। अब मैं बतला रहा हूं, नीति शब्द शुद्ध संस्कृत का शब्द है और हिंदी में यथावत प्रयोग होता, आप भ्रंश नहीं है ये। और इस नीति का नाम रख दिया नीति आयोग, जिसका देश को आज तक पता नहीं, देश से मेरा मतलब ये है मेजोरिटी को ये पता नहीं नीति का मतलब क्या, नीति की फुल एब्रीवेशन क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिफॉर्मिंग न्यू इंडिया, ये नीति है, नीति उच्चारण भी करो तो छोटी की मात्रा का NITI है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिफॉर्मिंग न्यू इंडिया, ये है नीति की फुल फॉर्म। अब मुझे बताओ इस देश में पढ़े लिखे लोग हैं, लोगों को बहकाया जाता था, देखो 80 करोड़ लोगों को हम रोज भोजन दे रहे हैं, क्या राशन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ तो भूखे वो हैं और 90 लाख भिखारी पुरानी गिनती के मुताबिक हैं, और बाकी हर चौराहे पे मांगने वाले हैं, रेलवे पे मांगने वाले हैं, किन्नर मांगने वाले हैं, ये 10-100 करोड़ तो यही हो गए मांगने वाले भूख के। और ये देश हर देश को उनको बहुत जल्दी विकसित हो रहा देश। खैर मैं राजनीति पे नहीं जाता, मैं तो अपने विषय पर रहूंगा, दूसरा प्रश्न पूछो अगर इससे संतुष्ट हो गए हो तो। अगला प्रश्न जयवीर सिंह जी कुछ पूछना चाहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल पूछें। जयवीर सिंह जी आपने हाथ उठाया है, आप शायद पूछना चाहते हैं क्या? जयवीर सिंह जी आप पूछना चाहते हैं तो आपको अनम्यूट कर दिया है। एकदम उत्तर दूंगा, शॉर्ट चाहेंगे शॉर्ट, लंबा चाहेंगे लंबा। नहीं जयवीर सिंह जी मेरे ख्याल से नहीं पूछना चाहते हैं उनको, उन्होंने और कोई पूछना चाहता है कुछ क्या? सर एंकर साहब आपका शुभ नाम, चलिए मैं ही पूछ देता हूँ, मैं ही पूछता हूँ एक प्रश्न। एक ही पूछो बस। हाँ ये जिनका फोन चल रहा ना ये बेचारे बड़े परेशान हो रहे हैं। हाँ नहीं नहीं मैं बस पूछता हूँ अभी। हाँ जी खत्म होने वाला है, हम लोग 10-15 मिनट में खत्म करेंगे, 10 मिनट में। हाँ जी तो हाँ जी एक मेरा प्रश्न है जो मतलब कई लोगों का भी प्रश्न है कि जो कहा जाता है कि जो गुमनामी बाबा के रूप में नेताजी थे और उस समय में, तो उस समय में मतलब उस दशक में या उस समय में ऐसी परिस्थितियां, जाहिर सी बात है मास मीडिया नहीं थी उतना ज्यादा, रीच नहीं था सबका, टेलीविजन नहीं था,
तो ऐसी ऐसा माहौल क्यों नहीं बन पाया कि नेताजी मतलब सामने आ पाए, या फिर मतलब फिर से, क्योंकि वो एक अच्छा समय होता कि तब भी अगर आ पाते तो शायद जो हमने 30 40 साल और बर्बाद किए, मतलब जो लग कहते हैं कि गवर्नेंस उतनी अच्छी नहीं रही या बहुत सारी चीजें नहीं रही, पैट्रियटिज्म की कमी हो गई राष्ट्रीयता की, तो वो हाँ एक ठीक है उद्घोषक उसको थोड़ा जी, बताएं। उद्घोषक जी, ये जो आपने प्रश्न किया है ये एक तरह से जनरल प्रश्न है। नेताजी के विषय में एक नहीं 5 बार तो नेताजी को मृतक घोषित किया गया है कि नेताजी वायुयान में मर गए, नेताजी वहां जाते हुए मर गए, नेताजी वहां से आते हुए मर गए, और नेताजी आखिर में जब गए यहां से अज्ञातवास के लिए तुत्ताई होकर फॉर्मूसा में मर गए, 5 बार उनको मृत घोषित कर दिया, कुछ बार अंग्रेजों ने और कुछ बार यहाँ की सरकार ने। जो भाई जिन लोगों से मनचाही रिपोर्ट मांगनी चाहिए उन्होंने जैसी रिपोर्ट देनी चाहिए वैसी रिपोर्ट दे, चल रही है वैसी रिपोर्ट दे दी। अब आप वास्तविकता को समझिए, देखिए ये जो जज बनते हैं ना ये साधारण व्यक्ति नहीं होते, ये क्रीम होती है, ये बुद्धिजीवियों में क्रीम होती है जो जज बनते हैं। और एम के मुखर्जी जो हमारे अंतिम जांच आयोग के अध्यक्ष थे, एम के मुखर्जी ने जितना प्रयास होता, और ये एक एक सेकंड में निर्णय लेने वाले लोग होते हैं, एक तो पायलट हवाई जहाज का और एक जज, ये जब वकीलों को सुनते हैं जिरह सुनते हैं 1 मिनट में अपना डिसीजन तय कर लेते हैं। तो जिस समय मुखर्जी ने पूरे दस्तावेजों को देख के जितने उनको मिल सकते थे उनको लेकर, और वो उस मौके पर पहुंचे जहां उस हवाई दुर्घटना तथाकथित हवाई दुर्घटना का जिक्र है, उन्होंने मौका मुआयना किया, वहां के लोगों को इकट्ठा किया, उस तिथि को तो छोड़ दीजिए, 18 अगस्त को तो छोड़ दीजिए, 18 अगस्त 1945 की घटना को तो छोड़ दीजिए, उस पूरे महीने में उस हवाई अड्डे पे किसी तरह की कोई दुर्घटना हवाई दुर्घटना हुई नहीं थी। तो ये किस आधार पे कहा जा रहा, फिर मेरा निर्णय नहीं, एम के मुखर्जी जो मुखर्जी आयोग के अध्यक्ष थे उनका निर्णय है कि उस हवाई हादसे में जिसको कहा जाता है नेताजी की तथाकथित मृत्यु शत प्रतिशत झूठ है, वहां पहले तो कोई हादसा ही नहीं हुआ और नेताजी की मृत्यु केवल किसी षड्यंत्र के तहत ये घोषणा हुई है, ये एम के मुखर्जी। लेकिन पटल पे आपकी सरकार उसे लाई नहीं, ना कांग्रेस सरकार लाई है ना ये हमारी वर्तमान सरकार लाई, तो वास्तविकता का क्या पता चले। दूसरा, मैं आपके माध्यम से एक ऐसा प्रश्न छोड़ता हूं जिसको आप अगर खोज सके तो खोजिए। देखिए इस देश में जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट्री, अब तो नई बनवा दी मोदी, माननीय मोदी जी ने, पुरानी पार्लियामेंट का जो मानचित्र है वो मुरैना भिंड में किसी पर्वत पर बिल्कुल उसी की आकृति बनी हुई है जिसकी अनुकृति हमारी पुरानी पार्लियामेंट है। एक दूसरा, गुजरात और महाराष्ट्र इसकी सीमा पे मुत्यानंद स्वामी एक रहते थे, जैसे फैजाबाद के स्वामी रहते थे, वो नेताजी के आदर्शों पर चलते थे, बिल्कुल वही 3.5 एकड़ में जो दिल्ली में पार्लियामेंट का भवन बना हुआ है ऐसा ही भवन वहां बनवाया नेताजी की जन्मतिथि पर, और नेताजी के विदेश गमन पर 21 अक्टूबर को वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता था। मुझे ये बताओ एक बार, इनका आपके स्टेशनों से ही ये जिक्र आए हैं, ये जो जो टीवी चैनल को छोड़ के गए सुधीर चौधरी, ये जो ये इन्होंने अपने मुंह से ये बात कही, लेकिन एक बार कहने के बाद आज तक, या मैं आज जिक्र कर रहा हूं आपसे, इन चीजों को खोजो। नेताजी ने अपने अज्ञातवास में जाने के बाद संसार में क्या क्या किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, आश्चर्य इस बात का है कि ये प्रकाश में नहीं लाया जाता। इसके साथ ही जो तिब्बत से आया था दलाई लामा आया था, कौन आया था, कौन इसको लेकर आया था, कौन सुरक्षित लिया आया इसे यहाँ तिब्बत, ये क्यों आज तक उसको पूछते हैं दलाई लामा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। दो फिल्म आई, एक सबसे पहले आई थी जब लड़ाई हुई थी, IAS जौहर और महमूद थे उसमें, जय बांग्लादेश, जय बांग्लादेश में नेताजी का विजन दिखाया गया। एक वो ये महबूब, और ये दोनों कहते हैं कि सर आप तो सुना आपके बारे में कि आपकी तो मृत्यु हो गई, आप कहाँ से प्रकट हो गई ये हमें बताने के लिए, ये बांग्लादेश के बारे में, क्योंकि इस किस्से को छोड़ दीजिए जो मैं आपको कह रहा हूँ वो कीजिए ये। और एक दूसरी फिल्म आई थी वो किसी बच्चे के ऊपर थी, वो बच्चे प्रकट होता, बड़ी अच्छी फिल्म का नाम है, इस वक्त मुझे याद, मैं फिल्म देखता नहीं, उसमें साक्षात नेता जो जो दर्शक थे उसे देखते होते ये तो नेताजी आ गए, नेताजी आ गए, नेताजी आ गए, इतने शोर मचे। फिर उसमें कलकत्ते में जो शौलमारी आश्रम था, सारे लक्षण जो नेताजी में उपस्थित थे सारे के सारे, शौलमारी के बाद फिर ऊखीमठ इसमें हिमालय में, चंडीगढ़ हाँ
हाँ, और ये बैटरी जाने लगी तो मुझे क्षमा करें, और कोई और प्रश्न हो तो और पूछ लो। ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद। बस आखिर बहुत में बहुत धन्यवाद आपका, कभी फिर मौका देना, और जितने जटिल से जटिल प्रश्न हो नेताजी से संबंधित तो उनको भेजना, मेरे यहाँ इतने वक्ता बैठे हैं, इनको मैं सबको लगा दूंगा लाइन पे। अच्छा बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा उपदेश सर, जी। आखिर में जय हिंद। जय हिंद। बिल्कुल बिल्कुल उपदेश जी, कृष्णा कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बुलवा दो, मैं सुनूं। हाँ बस एक मिनट, और एक मिनट और रुकिए। उपदेश जी या हाँ कृष्णा कुछ बिल्कुल, बोलना चाहते हैं या हम समाप्त करें? हाँ जी, थैंक यू सर, आपने बड़ा अच्छा उद्घोषण उद्बोधन किया, और बहुत सारी चीजें हमें जो नहीं पता थी वो भी सीखने को मिली, और जैसा कि कृष्णा ने भी पूछा था कि मतलब जो नेताजी की शिक्षा नीति क्या थी, तो हमारा यही रहेगा कि नेक्स्ट जो वेबिनार करें हम नेताजी जी की शिक्षा नीतियों के ऊपर करें, और आप लोगों से हम सीखें कि भाई नेताजी क्या सोचते थे, कैसी शिक्षा सोचते थे कि जिससे कि इंडिया जो है जल्दी से विश्व गुरु बन जाए। तो हम लोग का भी यही कोशिश रहेगी, क्योंकि हम लोग जैसे एजुकेशन में पढ़ाते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो उन चीज़ों को हम अपने बच्चों में भी इनकलकेट कर सकें। तो देशराज सर ने आज बहुत ही अच्छी तरह से बताया बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इतना सारा ज्ञान है सर के पास तो छोटे से वेबिनार में कंप्लीट नहीं हो सकता, बट फिर भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, और होपफुली आगे भी हम लोग इन चीज़ों को आपसे ग्रहण करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल, और अजीत प्रोफेसर जी, हाँ विग्नेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। सब लोगों को धन्यवाद। हम लोग समाप्त करते हैं, धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग जल्दी। कुछ प्रश्न होंगे जी तो लोग धन्यवाद। ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। या डेफिनेटली डेफिनेटली, और सर्टिफिकेट जो है आप लोगों को मिल जाएंगे, आप कुछ भी प्रश्न हो वो ईमेल आईडी है या व्हाट्सएप है, उसके थ्रू भेज सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू कृष्णा जी, अजीत जी, देशराज सर, धन्यवाद, विघ्नेश सर, राकेश राणा जी जो किसी वजह से नहीं जुड़ पाए, तो धन्यवाद सभी लोगों का। अब ये मीटिंग समाप्त करते हैं, धन्यवाद।